मैं माधव इम्तियाज अपने इस YouTube चैनल में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोपिया के बारे में। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हैं रघुवेंद्र तिवारी, उनके ही डिमांड पे ये वीडियो बन रहा है। उनके बी फार्म फर्स्ट ईयर में है, उनके बहुत दिक्कतें आ रही थी इस टॉपिक में, तो इसमें हम लोग बात करेंगे फार्माकोपिया के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लोग फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड से डिवाइड हुआ है। जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है, फार्माकोन, जिसका मीनिंग होता है टू मेक अ ड्रग। क्लियर है, ये एक ऑफिशियल बुक होता है जो हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है। जैसे कि इंडिया में पब्लिश की जाती है तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश की जाएगी, तो इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, अलग अलग कंट्री वाइज जो है ये किताबें छपती है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, किसी ड्रग के बारे में, मोनोग्राफ्स, बेसिकली वो ड्रग्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, उनकी क्या यूजेस है, उनके क्या डिसएडवांटेज है, ये सारा चीज़ उसमें मेंशन होता है। और अलग अलग कानून बनाए जाते हैं, जैसे कि इंडिया में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया था, वैसे ही अलग अलग स्टेट में इसकी बनाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये फार्माकोपिया की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो किसी भी ड्रग्स का क्या यूजेस है, क्या डिसएडवांटेज है और क्या उसके बनाने का तरीका है, इस चीज़ को भी फॉर्मुलेशन, इस चीज़ को भी जानने की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को। तो ये सब सारी चीज़ें कहाँ मेंशन होती है, फार्माकोपिया में मेंशन होती है। क्लियर है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, किससे, ब्रिटिश से। तो ब्रिटिश से आज़ाद होने के बाद एक साल बाद इंडियन फार्माकोपिया कमीशन बनी थी, जिसमें हम लोग ये मतलब कि कमेटी बैठाई गई थी जिसमें हम लोग ये डिसाइड किए थे कि इंडियन फार्माकोपिया जो हमारा नेशनल बुक पब्लिश होगा। कौन सा साल, सन था वो 1948। क्लियर है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट के बाद से। अब हम लोग बात करेंगे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। इंडियन फार्माकोपिया जो है वो हमारा ऑफिशियली बुक है जो कि भारत गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसकी फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन और लेटेस्ट एडिशन, मतलब कि सारे सीरियल वाइज इसको याद करेंगे हम लोग। जैसे कि इसका फर्स्ट एडिशन 1955 में आया था, फिर सेकेंड एडिशन 1966 में आया था, थर्ड एडिशन 1985 में आया था, फोर्थ एडिशन 1996 में आया था, फिफ्थ एडिशन 2007, सिक्स्थ एडिशन 2010, सेवेंथ एडिशन 2014 और एट्थ एडिशन 2018। ये हम लोग याद करेंगे, आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का मतलब कि अभी एट्थ एडिशन है, आया हुआ है, इसको हम लोग अच्छे से याद करेंगे। इज दैट क्लियर, इंडियन फार्माकोपिया। अब हम लोग बात करेंगे बीपी के बारे में, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश फार्माकोपिया हेल्थ मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम के द्वारा पब्लिश की जाती है। इसका फर्स्ट एडिशन 1864 में आया था, इसका लेटेस्ट एडिशन 2018 में आया था, जबकि वो जो लेटेस्ट एडिशन आया था वो 2019 फर्स्ट जनवरी 2019 में मतलब कि यूज़ में लिया गया था। इज़ दैट क्लियर, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया बनाया गया था ये बहुत सारे स्टैंडर्ड को एक साथ जमा करके बनाया गया था, जैसे कि एडिनबर्ग, डबलिन, लंदन फार्माकोपिया को मिला करके ये ब्रिटिश फार्माकोपिया बनाया गया था। यानी सारे को एक पास एक्युमुलेट किया गया था और उसके बाद से हम लोग को ब्रिटिश फार्माकोपिया देखने को मिला। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है यूनाइटेड फार्माकोपियल कन्वेंशन के द्वारा पब्लिश की जाती है, जो कि वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है। बस हमारा किसी भी फार्माकोपिया के बारे में बात किया जाता है तो वहाँ की सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वही पब्लिश कराती है। इज दैट क्लियर, अब हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की फर्स्ट एडिशन जो है 1820 में आया था।
क्लियर है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।